नमस्कार केके आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर भोपाल से है जहां कार्यालय कलेक्टर के सामने बीआरटीएस कॉरिडोर में हुआ एक्सीडेंट। पल्सर बाइक एवं कार में हुई टक्कर, बाइक सवार शकील गंभीर घायल है। हमीदिया में इलाज जारी है। प्रतिबंध के बावजूद बीआरटीएस कॉरिडोर में वाहन चलाने से हुआ हादसा। कोयफिजा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। एक घंटे पूर्व यह घटना हुई थी। केके आई न्यूज के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। नमस्कार आदाब। कार्यालय कलेक्टर के थोड़ा आगे आप देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक अजाक और एसडीएम बैरागढ़ नुजुल के सामने जो कॉरिडोर बना है यहाँ पर, ये अभी कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल का मामला है MP04TB2261। ये एक गाड़ी है, कॉरिडोर में क्या कर रही थी, इस कॉरिडोर से क्यों ये आई, प्रतिबंध रहता है इस रोड पर, सिर्फ BRTS ओनली के लिए ये रोड है। और ये गाड़ी संभवतः आगे से आई और इस मोटरसाइकिल से ये गाड़ी टकराई है। तो कितना ज़बरदस्त हादसा हुआ है, इस गाड़ी को देख के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पूरी दुपहिया वाहन बर्बाद हो गया है, बहुत हालात ख़राब है। इसका नंबर तो आगे से दिख नहीं रहा है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। इस गाड़ी का नंबर है MP04UM0194। तो ये गाड़ी, मेरे ख्याल से इस गाड़ी का नाम पल्सर का टैंक है। ये पल्सर गाड़ी नज़र आती है जो पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ है, लेकिन अभी संज्ञान में आपने देखा है क्या इसी? अभी पूरी खबर यहाँ पर मिल नहीं पा रही है। तत्काल का ये मामला आप देख सकते हैं, कैसे नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर ये BRTS पे ये वाहन प्रवेश करते हैं, जिसके परिणाम ये दुर्घटना हो गई है। MP04TB2261, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और आगे मामला क्या रहा होगा क्या नहीं, ये कुछ समय के बाद पता चलेगा। टैक्सी कोटे की ये गाड़ी लग रही है मुझे, और इनक्रेडिबल इंडिया इस पर लिखा है। आगे से फिर एक बार दिखा दूं आपको, पूरी गाड़ी को आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई। कार्यालय कलेक्टर के पास से ये नज़ारा आप देख सकते हैं, जबकि BRTS कॉरिडोर पर प्रतिबंध रहता है, फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ाने के बाद ये दुर्घटना हुई होगी। आसिफ खान, गणित न्यूज़, KKR न्यूज़ के लिए राजधानी भोपाल से इस समय BRTS कॉरिडोर से बात कर रहा हूँ मैं। नमस्कार आदाब। ये बात भी सामने आ गई है कि शकील नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, हमीदिया में उसका उपचार चल रहा है। ये पल्सर पर सवार था और इस गाड़ी से इसकी टक्कर हुई थी। तो ये मामला अब से एक घंटे पूर्व हुआ था, जो आपको मैंने पूरा बता दिया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और घायल हमीदिया अस्पताल में इलाज करा रहा है। नमस्कार आदाब। नियमों की धज्जियां तो दोनों ही वाहन ने उड़ाई है, क्योंकि नो जोन में ये गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ से ये गाड़ी आ रही होगी, आगे से ये आ रही होगी। जो भी है, देखने वाले इस वीडियो से संभल जाएं कि जहां प्रतिबंध है वहां पर सफ़र ना करें, वहां गाड़ियों का प्रवेश ना करें। तो आप देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।